साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करना चाहेंगे राजस्थान में जो 93,000 विद्या संबल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में जो आपको टीचर लगाया जाएगा, तो आपको इसके लिए दोस्तों आवेदन कैसे करना है, आपको कैसे पता करना है कि किस वही सरकारी स्कूल में पोस्ट खाली है, और इसके जो आवेदन है वो कब से शुरू हो रहे हैं, ऑफलाइन करना है या फिर आपको ऑनलाइन करना है, और क्या रीट कैंडिडेट जिनके पास पात्रता नहीं है तो क्या वो इसमें पात्र है या नहीं है, या जिन्होंने पीजी कर रखी है तो क्या वो इसमें पात्र है या नहीं होंगे, और उसके बाद साथियों आपको क्या स्थायी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और आप यहाँ पर कब तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मात्र 2 या 3 मिनट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो साथियों, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि दोस्तों इसका जो आपको जो सैलरी मिलेगी, प्रति महीने सैलरी आपको कितनी मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोस्तों सैलरी देख सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रेड थर्ड ग्रेड है ना, जिसमें आपका फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल आता है, तो आपको प्रति पीरियड 300 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 21,000 रुपये साथियों आपको प्रति महीने के दिए जाएंगे। जैसे मान लो आपने भाई 2 पीरियड लेते हैं तो आपको 600 रुपये हो जाएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको 21,000 रुपये मिलेंगे। कई साथी ये कहते हैं कि हम तो भाई 5 क्लास ले लेंगे, भाई 5 क्लास के हिसाब से तो आपके दिन के 1500 हो जाएंगे और महीने के 45,000 हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा 21,000 रुपये ही मिलेंगे, ठीक ना, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो लेवल सेकंड से हो। और जो भाई ग्रेड सेकंड है, जिनको भाई कक्षा 9 से 10वीं तक पढ़ानी है आपको, इसके लिए आपके पास कोई भी रीट की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको ग्रेड फर्स्ट के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ठीक ना, जो आपको रीट पात्रता वाला। लेकिन ओनली थर्ड ग्रेड के लिए आपको रीट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रेड सेकंड की साथियों सैलरी रहेगी महीने की 25,000 रुपये, ठीक है ना, प्रति क्लास आपको 350 रुपये, और आपको फर्स्ट ग्रेड की सैलरी रहेगी 30,000, प्रति पीरियड आपको 400 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है ना। बाकी आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद साथियों बात कर लेते हैं कि भाई इसके जो आवेदन है वो कैसे भरे जाएंगे, ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन। देखो साथियों, ये ऑफलाइन प्रक्रिया होगी। आपको भाई जैसे मान लो आप इच्छुक हैं तो आपके आसपास या आपकी तहसील में जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको जो सूचना पट होती है वहाँ से आपको एक जानकारी 1 नवंबर से वहाँ पर चिपका दी जाएगी बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। या आप सीधे वहाँ के जो भी भाई प्राचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनसे जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैं पीजीटी टीजीटी पीआरटी में पढ़ाने के इच्छुक हैं तो आपके यहाँ कौन कौन सी पोस्टें खाली हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे सरकार के आदेश जारी होंगे 1 नवंबर के बाद, वहां से आपके पहुंचने से पहले ही वहां का जो नोटिस बोर्ड होगा वहां पर जानकारी चिपका दी जाएगी, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है साथियों, आपको वहां जाना ही पड़ेगा। जिस भी स्कूल में पोस्ट खाली होगी तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी अंक तालिकाएं होती 10वीं की, 12वीं की और ग्रेजुएशन बीएड की है ना, और आपने पीजी कर रखी है, तो वहां अपनी अंक तालिकाएं वहां पर लगा देना। यदि आपके पास रीट सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद भाई चयन आपका कैसे होगा, भाई देखो मैं तो एक सीधा सा फंडा बताऊंगा, आपकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी आपके वहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक ना। वैसे मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कम स्टूडेंट यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि सभी का फोकस कहाँ पर है, रेट भर्ती पर लगा हुआ है। देखो दोस्तों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो विद्या संबल योजना है ये अस्थायी है ना, आपको 2 महीने तक पढ़ाने के बाद स्कूल से बाहर किया जा सकता है। हो सकता है भाई आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो वहाँ पर कोई टीचर 1 साल तक नहीं पहुँचे तो आप 1 साल तक पढ़ा सकते हो, तो यानी कहने का मतलब है सैलरी आपको अच्छी मिल जाएगी ना। यदि मान लो आप 1 महीने तक पढ़ाते हैं और यदि आप फर्स्ट ग्रेड के पद पर कार्य करते हुए पढ़ाते हैं तो आप लगभग साथियों 3.5 लाख रुपए प्रति साल के हिसाब से आप कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम स्थायी होंगे या नहीं होंगे। साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नोटिस में लिखा नहीं हुआ है। आप जब तक वहां पर पढ़ाओगे, जब तक वहां पर कोई आगे से चयनित टीचर आपके स्कूल में नहीं पहुंचता है, ठीक है। मान लो जैसे कोई टीचर पहुंच जाता है, आप जिस पद पर कार्य कर रहे हो, तो आपको वहां से क्या है भाई, आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है, काफी साथियों का मैसेज है कि सर हमारे पास रीट का सर्टिफिकेट नहीं है। देखो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप भाई सेकंड ग्रेड में आवेदन कर सकते हो ना, फर्स्ट ग्रेड वाले में आवेदन कर सकते हो, इसके लिए आपके कोई पास रीट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी नहीं। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप है ना इस पर फोकस कम करते हुए अपना या तो भाई सेकंड ग्रेड पे ध्यान दें या अपनी रीट पर ध्यान दें, है ना। क्योंकि ये मीठा जहर है और इसमें फंस जाओगे तो जिंदगी भर आपको इसका एक अफसोस रहेगा ना, क्योंकि बाद में भी आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करें, जो बिल्कुल साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा अवसर है थोड़ा समय के लिए अच्छा पेमेंट कमाने का, ठीक है ना। तो जानकारी आपको स्कूल में जाकर ही साथियों जुटानी पड़ेगी, कितनी पोस्ट खाली है कितनी पोस्ट नहीं है, ठीक है। और आपका जैसे सिलेक्शन होगा तो आपको बता दिया जाएगा, जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आप वहाँ पर जमा करा देना, और नवंबर माह में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है।